के ध्यान सपनों की उड़ान। गांव का एक दिन। लेखक ओम प्रकाश। प्रकाशक प्रथम बुक्स टीम। मिनी, इस बार हम रामपुर गांव जाएंगे, मैडम ने कहा। हुर्रे, मजा आ जाएगा, सब बच्चे चिल्ला पड़े। रामपुर में मेरे मामा जी की लड़की शीला रहती है, मिनी ने कहा। वह हमें पूरा गांव घुमा देगी, तब तो हमें बड़ा मजा आएगा, उसकी सहेली मुनिया बोली। सभी बस में बैठकर रामपुर पहुंच गए। गांव का स्कूल बिल्कुल सीधा साधा था, चारों तरफ हरियाली थी, चिड़िया चहक रही थी। वहां उन्होंने खाना खाया। सबसे पहले उन्होंने खेत देखे, मक्के के भुट्टे और मूंगफली छील कर खाई। सभी को ताजे भुट्टे और मूंगफली अच्छी लगी। मिनी अपनी बहन शीला को भी साथ ले गई थी। उन्होंने मेले में नट को देखा, वह करतब दिखा रही थी। नट लड़की ने कोई नेताओं की आवाज की नकल की। ओ, बहुत बढ़िया, मैडम को उसकी है अदा पसंद आई। तुम तो पढ़ लिख कर अच्छी कलाकार बन सकती हो, मिनी ने कहा। वह चहकी, सच? हाँ, तुम ऐसा कर सकती हो, तब तो मैं अवश्य पढ़ूंगी, कहकर नट लड़की ने मिनी का पता ले लिया। इस तरह एक दिन गांव में घूमकर सब वापस लौट आए। मैडम ने इसका पूरा वीडियो उतार लिया था, उसे विद्यालय में बताया। सभी को स्वच्छ व साफ सुथरा गांव देखकर अच्छा लगा। मेले में एक और कठपुतली का नाच हो रहा था, दूसरी और डांस हो रहा था। हम सबको गांव का यह दिन बहुत अच्छा लगा। मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी, मिनी ने कहा। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको गांव के एक दिन की कहानी? आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं आप सबसे जल्द मिलूंगी एक और मजेदार कहानी के साथ।